हमारे बेस्ती में होगा, बिल्कुल सही पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी है, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हमारे पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैंसिल हो गया। ताजिक मामला तू अभी अंदर आता जब डेली ये रिपोर्ट हमने देखी है, नेशनल मीडिया में भी ये बहुत चला है और सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है, इस पोस्ट को। मुझे भी कहीं कहीं से आया है। इसके बाद में मैंने वहाँ के एसपी से बात करी है, वहाँ के आईजी से बात करी है, उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है, हम जाँच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जाँच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही शर्म की बात है, मुझे बहुत ही कहते हुए खराब लग रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितने किसी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आपको जो लगता है वही हमको लगता है। आज पूरा देश देख रहा है, सबको खराब लग रहा है और सरकार के मामला संज्ञान में है और ये सरकार किसी को माफ करने वाली नहीं, इतना मैं भी जानता हूँ। वो भी बोल रहा है कि तुमने मेरी जी, वो भी देखी आज रिपोर्ट तक आ जाता है, निश्चित होगी। उसने नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। जिस पुलिस कर्मी ने उस चौकीदार को उस स्थिति में लाने के लिए विवश किया और जिस पदाधिकारी ने ऐसा किया और करवाया, आप पैर पर गिरवाइएगा। जो सक्षम पर हमारा सिपाही गलती करेगा, चौकीदार गलती करेगा, हौलदार गलती करेगा या थानेदार गलती करेगा, तो हम उसको सजा देंगे। जरूरत पड़ेगा उसको हम डिसमिस भी करेंगे और करते हैं, लेकिन उसका मजाक कोई बनाए, दूसरा उसको बेइज्जत करे, ये हमको नहीं बर्दाश्त। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.